हेलो जी, राधे राधे। आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, कुशल होंगे और अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छे जोश शोर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फाइनल पंच ऑन करंट अफेयर्स का। आपका एग्जाम आने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे कि फटाफट से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत कम होगा या बहुत रेयर होगा, ठीक है। जिसमें ज़रूरत होगी तो उसमें आपके एक्सप्लेनेशंस होंगे, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे। हम लोग फटाफट क्या करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका अन अकेडमी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए बच्चे जुड़े हैं। विजय पथ जो है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2024 के लिए पूरा फाउंडेशन बैच है, जो कि आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। वहीं आपका निर्वाण जो है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए 10 दिनों का एमसीक्यूज का बैच है। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज मिलेंगे। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन इसका परचेस कर सकते हैं। फिर है हमारा सफल रथ, सभी राज्य परीक्षाओं के लिए इंग्लिश एमसीक्यूज और साक्षात्कार की तैयारी पर पूरा बैच होगा ये। यहाँ पे आपको इंटरव्यू से भी रिलेटेड चीजों को, आपका जो डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा। फिर बुलंदी बैच, आइकॉनिक बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2024 है आपका। इसका जो बैच है ये स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 25 को। कुशल बैच है जो कि गणित और रीजनिंग पर पूरा बैच आधारित है, सभी राज्य परीक्षाओं के लिए है ये, ठीक है। क्या है आपके, सभी राज्य परीक्षाओं के लिए है। शौर्य बैच आपका हिंदी पर पूरा बैच है, हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान है इसमें। मास्टर एडमिशन टेस्ट सीरीज है जो कि आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए है। शिक्षकों के नाम ये रहे और आरंभ तिथि जो कोर्सेज की थी वो ये रही, तो फटाफट से क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। विराट मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा, छात्रवृत्ति परीक्षा और हर रविवार सुबह 11 बजे आपकी होगी। आपको बस इतना करना है कि जो QR कोड है उसको हमें स्कैन कर लेना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त हो जाएगी। प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, फटाफट से खरीदिए। सब्सक्राइब नाउ टू क्रैक मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। विच कंट्री इज करेंटली ऑन हाई अलर्ट ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड सेस्मिक एक्टिविटी एंड कंसर्न्स ऑफ एन इमिनेंट वॉल्केनिक इरप्शन इन द री के जेन्स पेनिसुला। फटाफट से बताना है, रेजियंस प्रायद्वीप में अभूतपूर्व भूकंपीय गतिविधि और आसन्न ज्वालामुखी विस्फोट की चिंताओं के कारण कौन सा देश वर्तमान में हाई अलर्ट पर है। फटाफट से आंसर देना है। रितेश जी नमस्ते, रविंद्र जी हेलो, सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी को जवाब देते जाना है। देखिए, आइलैंड जो है वो आपका, आइसलैंड जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई अलर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम 800 अर्थक्वेक्स जो हैं उनको क्या किया गया है, मार्क किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, अर्थक्वेक्स को मार्क किया गया है 14 घंटे में, ठीक है, इन 14 आवर्स, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने ये रहा, इन विच सिटी इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह स्केड्यूल्ड टू पार्टिसिपेट इन द 10th ASEAN डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। फटाफट से जवाब देना है, जल्दी से सभी बच्चे रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे, ठीक है। जल्दी से आप सभी को क्या करना है, रिस्पॉन्स आप सभी को देते जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर जो है वो है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, वेयर इज द 42nd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 बीइंग इनॉग्रेटेड। जल्दी से बताना है, 42वें भारत
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, ये आप सभी को क्या करना है, फटाफट से बताना है, यानी कि आंसर आप सभी को दे देना है। तो बताइए क्या होगा भैया? न्यू दिल्ली होगा। न्यू दिल्ली में आपका क्या है? प्रगति मैदान। ठीक है, क्या है आपका? प्रगति मैदान में आपका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट एट विच पाब्लो पिकासोस पेंटिंग वुमेन विद अ वॉच सोल्ड। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग वुमेन विद द वॉच कितने रिकॉर्ड तोड़ दाम पर बिकी थी? कितने मिलियंस थे आपको ये बताना है? 100 मिलियन, 120 मिलियन, या आपके 139 मिलियन, या आपके 150 मिलियन? फटाफट से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से सभी को रिस्पांस देते रहना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। राइट आंसर जो है वो है आपका 139 मिलियन डॉलर, जो है आपके वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विथ हुम डिड SIDBI कोलैबोरेट टू इंट्रोड्यूस द संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, संपूर्ण MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक शुरू करने के लिए SIDBI ने किसके साथ सहयोग किया था, आपको ये बताना है। फटाफट से बताएं, जो काटा था, या आपका एलिवेरे था, या आपका जेट थर्ड आई था, या आपका फिनस्ट्रा था? फटाफट से आंसर देंगे सभी बच्चे, जल्दी से सभी रिस्पांस देते चलेंगे। बहुत बढ़िया, राइट आंसर जो है वो है आपका जो काटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 51 डे इंटरनेशनल ODI सेंचुरीज? ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो आप सभी को पता होगा। आई एम डैम श्योर कि आप सभी को क्लियर होगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को जवाब देना है। ठीक है, सभी बच्चे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देते चलेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। राइट आंसर जो है विराट कोहली। विराट कोहली जी ने क्या किया था कि आपका इंटरनेशनल ODI सेंचुरीज किया था, 51 डे इंटरनेशनल ODIs में स्कोर 50 किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने ये रहा, फटाफट से बताना है। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर द पास्ट 7 मंथ्स? जल्दी से बताएंगे सभी, रिस्पांस देना है सबको। अपवर्ड ट्रेंड है, स्टेबल ट्रेंड है, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है, या डाउनवर्ड ट्रेंड होगा? फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, डाउनवर्ड ट्रेंड जो है यानी कि गिरावट प्रवृत्ति जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। गिरावट जो प्रवृत्ति हुई थी ये आपकी 0.26% थी इन सितंबर में, यानी कि सितंबर में आपकी 0.26 थी, -0.26 थी। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करेंगे अगस्त की, ठीक है, अगस्त की अगर हम बात करेंगे तो वहीं अगस्त की यहाँ पे थी 0.52%, -0.52%। वहीं जुलाई की आपकी थी -1.36%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गुड इवनिंग नेहा जी, इन विच इंडियन रीजन वेर द फर्स्ट लिथियम डिपॉजिट्स डिस्कवर्ड विद एस्टिमेटेड रिजर्व्स ऑफ 5.9 मिलियन टन्स? जल्दी से सभी को रिस्पांस देना है। 5.9 मिलियन टन के अनुमानित भंडार के साथ सबसे पहले लिथियम भंडार जो होता है वो किस भारतीय क्षेत्र में खोजा गया था, आप सभी को ये बताना है। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। नेहा जी, नेहाया जी, फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा।
बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। ह्यूमन हाइट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मनुष्य की लंबाई इससे प्रभावित होती है। फटाफट से बताना है, मनुष्य की जो लंबाई है वो किससे प्रभावित होती है? जेनेटिक फैक्टर से, एनवायरमेंटल फैक्टर से, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? चलिए कोई बात नहीं, बोथ ए एंड बी राइट आंसर होगा। यानी कि जेनेटिक कारक भी होते हैं, डीएनए जो होता है वो हमारा क्या होता है, जेनेटिक कारक होता है, यानी कि फैक्टर होता है। वातावरणीय जो कारण होता है उसमें क्या क्या आ जाता है आपको, जैसे मेडिकल इश्यूज आ गए आपके, फिर आपके जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट चेंज होता है वो आपका आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इशूड अ स्टार्क वार्निंग अबाउट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमोसफियर इन 2022? यानी कि पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 2022 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता के अभूतपूर्व स्तर के बारे में कड़ी चेतावनी जारी की थी। ये आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यानी कि संगठन की बात हो रही है, ठीक है। कौन सा वो अंतरराष्ट्रीय संगठन है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब हम आंसर देखते हैं तो एक बार तो हम इसी चीज से मिला लेते हैं। बहुत बढ़िया नेहा जी, यही मैं बताना चाह रही थी कि सी जो है यहाँ पे आपका क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यानी कि संगठन आ गया, यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 11th क्वेश्चन। वेयर इज द AIFFA Academy established under the FIFA Talent Development Scheme set to be inaugurated? जल्दी से फटाफट से बताना है, फीफा प्रतिभा विकास योजना के तहत स्थापित आपका जो AIFF है और फीफा एकेडमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, ये आप सभी को बताना है। ये उद्घाटन कहाँ पर होगा? देखिए, ये उद्घाटन जो है ये भुवनेश्वर में, यानी कि हमारा जो उड़ीसा में भुवनेश्वर है वहां पर ये उद्घाटन होगा, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में होगा? तो भैया जो हमारे अरसेने हैं, अरसेने वेंगर हैं, ठीक है, उनके प्रेजेंस में होगा। अब आप पूछेंगे कि ये कौन है, तो ये ग्लोबल चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल है, ठीक है। क्या है आपके? चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट, ठीक है, फुटबॉल डेवलपमेंट, ठीक, एट फीफा। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड फिलोसफी डे ऑब्जर्व्ड मैनुअली? जल्दी से जवाब देना है, वर्ल्ड फिलोसफी डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर जो है वो है हमारा 16th of November जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 16th of November को वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। वेयर इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्ड हुज टीम हैज स्टार्टेड ऑन साइट रिव्यू मीटिंग्स इन इंडिया टू असेस द कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट मनी लॉन्डरिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग? फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पेरिस, लंदन, या वॉशिंगटन डीसी, या आपका जिनेवा? फटाफट से बताना है राइट आंसर क्या होगा आप सभी को, जल्दी से बताएं। वेयर इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्ड, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए, इसका जो मुख्यालय है वो है आपका पेरिस में, ठीक है,
और इसका फॉर्मेशन कब हुआ, अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो आपका 1989 में हुआ था, ठीक है। 1989 में क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज ऑनर्ड विद द इनॉग्रल लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटिंग द पीस अवार्ड बाय द वाचलव हेवल सेंटर। फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। नेहा जी, डी नहीं होगा, पेरिस ही होगा, ठीक है, पेरिस होगा। 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना है, राइट आंसर जो है वो है आपका सलमान रुश्ती, जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सलमान रुश्ती जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, ऑन ऑन विच डेट इज नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। जल्दी से बताना है, सभी को रिस्पांस देना है फटाफट से, वो कौन सा दिन है जो हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के नाम पे मनाया जाता है, कौन सा वो दिन है, फटाफट से बताएंगे कौन सा दिन है। जी, 16 नवंबर जो है वो आपको राष्ट्रीय प्रेस डे के नाम से या तारीख को मनाया जाता है भारत में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफर एमिंग टू रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड कट इमिशन सिग्निफिकेंटली। फटाफट से आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा। किस संगठन ने शिपिंग लागत को कम करने और उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती करने के लक्ष्य के साथ दुनिया का पहला जहाज से जहाज तरलीकृत प्राकृतिक गैस हस्तांतरण हासिल किया है, जल्दी से बताना है। राइट आंसर होगा आपका गेल, GAIL जो है आपका, गेल जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय एन सांखारिया हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 102। जल्दी से बताना है, राइट आंसर क्या होगा। सोशल एक्टिविस्ट होंगे, एनवायरमेंटलिस्ट होंगे, या आपके फ्रीडम होगा, या आपका फाइटर फिलांथ्रोपिस्ट होगा। नेहा जी बी बता रही हैं। राइट आंसर जो है आपका वो होगा स्वतंत्रता। वर्षा जी वेरी गुड, आप भी आ गई, स्वतंत्रता जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच सिटी विल द 9th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड इन जनवरी 2024। जल्दी से बताना है आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे, पुणे, कोलकाता, चेन्नई या आपका फरीदाबाद, फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाफट से बताना है, वर्षा जी सी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। और नेहा जी क्या बता रही हैं, नेहा जी क्या बता रही हैं, चलिए जो राइट आंसर है वो है हमारा फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद। और डेट की अगर मैं बात करूं तो 17/20/2024 जो है यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा, फरीदाबाद आपका हरियाणा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सिटी ऑफन कॉल्ड द सिटी ऑफ ड्रीम्स। जल्दी से बताएंगे, सपनों का शहर किस शहर को अक्सर कहा जाता है, जल्दी से बताना है, दिल्ली को, बैंगलोर को, मुंबई को, या आपका जो चेन्नई है, चेन्नई को, फटाफट से बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए मुंबई जो है हमारा राइट आंसर है, इसको माया नगरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माया नगरी भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है, माया नगरी भी
कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ ड्रीम्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु इनॉग्रेटेड द थर्ड हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 एट शिवाजी स्टेडियम। फटाफट से आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देना है। अमृता जी ने पहले क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन का बी आंसर दिया था। फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मनोहर पारिकर होगा, राजनाथ सिंह होगा, स्मृति ईरानी होगा या हरदीप सिंह पुरी होगा। फटाफट से सभी को रिस्पांस देना है, जल्दी जल्दी रिस्पांस देते जाइए। शिवाजी स्टेडियम में तीसरी हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किसने किया था, इनॉगरेट किसने किया था। नेहा जी बता रही है ए। देखिए राइट आंसर जो है वो है आपका हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, वर्षा जी बता रही है बी। थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आप सभी के लिए आते हैं और अच्छे खासे आते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा ध्यान से क्या होगा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच कंट्री इज द होम बेस फॉर द क्लीन टेक स्टार्टअप शी गार्ड, द विनर ऑफ द क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल्स। जल्दी से बताना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या श्रीलंका है। फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। देखिए राइट आंसर जो है वो है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपका बेस्ड क्लीन जो क्लीन टेक स्टार्टअप है वो आपका स्टार्ट हुआ है प्लास्टिक फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स के लिए और आपके इनोवेटिव बायोग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने ये रहा। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द रिसेप्शनिस्ट ऑफ द गण समर गिनी लता मंगेशकर पुरस्कार फॉर 2023 बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। फटाफट से बताएं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2023 के लिए गण समरागिनी लता मंगेशकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया था। सी और ए बता रहे हैं। राइट आंसर जो है वो है सुरेश वाडकर। ठीक है, सुरेश वाडकर जी को चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड एनुअली। नेहा जी मैं लखनऊ से हूं। नेहा कुछ नहीं आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से प्रैक्टिस सेट्स लगवाए जा रहे हैं जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सिर्फ आप ही लोगों की वजह से लगवाए जा रहे हैं जिससे आप सभी की क्या हो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा 16th of November जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट बाय द आरबीआई, व्हाट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी चैलेंज टू अचीविंग द 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टारगेट। जल्दी से बताना है, आरबीआई की अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक चुनौती के रूप में क्या पहचाना गया है।
अरे भैया, राइजिंग फूड प्राइजेस, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें हैं। सबसे ज्यादा महंगा क्या है? खाना ही तो महंगा है। अंशु पूरो जी का आंसर आया है, वर्षा का आंसर ए आया है। बहुत बढ़िया वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 26। वेयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस? पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होने वाला है? आपको ये बताना है, फटाफट से बताएंगे। मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में या आपका बैंगलोर में? फटाफट से आंसर देना है, जल्दी से आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए, ये जो आपका प्रोग्राम है, ये 15 to 18 of November चला था 2023 में, और कहाँ चला था? तो आपका हैदराबाद में चला था, ठीक है? हैदराबाद में ये आपका जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, जो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट पे था, वो आपका चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत बढ़िया वर्षा जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, Who has been appointed as a member of the Administrative Conference of the United States Council by President Joe Biden? राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा संयुक्त राज्य परिषद के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपको ये बताना है। राइट आंसर जो है वो है आपका शकुंतला भाया, ठीक है? शकुंतला भाया जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड इन 2023? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड इन 2023? जल्दी से, फटाफट से राइट आंसर देंगे। अक्टूबर 15, नवंबर 17, दिसंबर 5 या जनवरी 22? अंशु जी ने आंसर दिया है नवंबर 17। बिल्कुल सही आंसर है आपका, नवंबर 17 इज द वेरी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर इज द 9th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 टेकिंग प्लेस? जल्दी से बताना है, संयुक्त सैन्य अभ्यास व्यायाम मित्र शक्ति 2023 का 9वां संस्करण कहाँ हुआ है? वर्षा जी बता रही है पुणे, अंशु जी भी बता रहे हैं पुणे। बहुत बढ़िया, पुणे जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? ये कब हुआ था? तो ये आपका 16 to 29th of November 2023 में आपका संस्करण हुआ था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हु रिसेंटली सिक्योर्ड री इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन? सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है? हाल ही में किसने स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुनाव जीता था? जल्दी से बताना है, पुनः चुनाव किसने जीता था? फटाफट से बताना है। वर्षा जी का आंसर आया है, अंशु जी का भी आंसर आया है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर जो है वो है आपका पेड्रो सांचेज जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? इनको आपको 179 out of 350 लॉ मेकर्स आपका रहा था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हु रिसेंटली अचीव द ग्राउंड ब्रेकिंग फीट ऑफ स्काई डाइविंग नियर माउंट एवरेस्ट फ्रॉम अ हाइट ऑफ 21,500 feet? जल्दी से आंसर देंगे, हाल ही में किसने 21,500 feet की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के पास स्काई डाइविंग की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की थी?
जल्दी से बताना है। इंडियन वुमन स्काई ड्राइवर थी वो, कौन थी? शीतल महाजन बता रहे हैं अंशु जी, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है आपका। ठीक है, शीतल महाजन थी जो आपकी 21,500 फीट से क्या हुई थी, कूदी थी, जंप किया था। 32 क्वेश्चन है आपका। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड द हेलो नारियल, फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर फैसिलिटी? फटाफट से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के सामने ये रहा। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड होगा, एग्रीकल्चर प्रमोशन बोर्ड है, हॉर्टिकल्चर एनहांसमेंट काउंसिल है, या आपका प्लांटेशन रिसोर्स अथॉरिटी है? अगेन मैं आपसे बता रही हूँ, संगठन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा आपको ये बताना है। वर्षा जी बता रही हैं ए। राइट आंसर है आपका कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। Who is set to host the 96th Academy Awards in 2024 for the fourth time? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है आप सभी के सामने। 2024 में चौथी बार 96वें एकेडमी पुरस्कार की मेजबानी कौन करने वाला है? फटाफट से बताना है। अंशु जी बता रहे हैं जिमी किमल, वर्षा जी बता रही हैं बी, बहुत बढ़िया। जिमी केमल जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जिमी केमल जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ वेसल लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी? जल्दी से आंसर देना है। भारतीय नौसेना द्वारा पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किए गए चौथे जहाज का क्या नाम है? चौथे जहाज का नाम पूछा है। ट्राइडेंट है, पोसिडन है, नेपच्यून है, या अमीनी है? अंशु जी बता रहे हैं अमीनी है, बहुत बढ़िया। राइट आंसर आपका जो है वो डी है, अमीनी है जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी? जल्दी से आंसर देंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है। अरुण कुमार, अलोक शर्मा, राजेश वर्मा, या नेहा गुप्ता? अंशु जी ने फटाफट से जवाब दिया है बी, आलोक शर्मा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये आपके सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि ये क्या है आपके आईपीएस हैं। ठीक है, क्या है? आईपीएस हैं। ठीक है, और कहाँ के हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, यानी कि यूपी के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। जी बिल्कुल अंशु जी। विच बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड अशोक वासवानी एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? फटाफट से आंसर देंगे। हाल ही में किस बैंक ने अशोक वासवानी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अंशु जी फटाफट से आंसर दे रहे हैं, बाकी सारे बच्चे क्यों रुके हुए हैं, फटाफट से आंसर दीजिए आप सभी। कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 17 नवंबर को इनको क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ बी एन गोस्वामी हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90? जल्दी से सभी बच्चे रिस्पांस देंगे। ठीक है, कोई एक बैठेगा नहीं, कोई भी नहीं बैठेगा, फटाफट से सभी आंसर दीजिए। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उसको सही भी कर सकते हो,
बस एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी एन गोस्वामी जो थे वो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो प्रेस्टिजियस सिविल सर्विसेज थी उनको उन्होंने क्विट करके अपना जो करियर था उसको एकेडमिक्स और रिसर्च में लेकर के गए थे, और ये एक इंडियन आर्ट हिस्टोरियन थे, यानी कि कला इतिहासकार थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने ये रहा। What is the name of the cyclonic storm causing disruptions in the northeast bay of Bengal? जल्दी से बताना है, सभी को रिस्पांस देना है। जिनको आंसर नहीं आ रहा है वो नॉर्मली लिख करके डाल दें पास। पास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है हमारा मिथिली, ठीक है। मिथिली जो है वो हमारा नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वेरी गुड अंशु जी, आपने पास बोला, बहुत अच्छा लगा कि आपने तुरंत इम्प्लीमेंट किया मेरी बात। हाउ मेनी न्यू डिस्टिंग्विश्ड फेलो डिड नीति आयोग रिसेंटली अपॉइंटेड फॉर 1 ईयर? जल्दी से बताना है, नीति आयोग ने हाल ही में 1 वर्ष के लिए कितने नए विशिष्ट अध्येताओं को नियुक्त किया था? अंशु जी बता रहे हैं 4 को किया था। बहुत बढ़िया। और वर्षा जी फटाफट से आप भी रिस्पॉन्स दीजिए। राइट आंसर जो है वो है आपका डी, यानी कि 4, ठीक है। 4 अपॉइंट किए थे। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे एनुअली ऑब्जर्व? जल्दी से बताना है, वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे के बारे में पूछा है। विश्व शीघ्रता दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो भी आपका 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 17th of November को आपका मनाया जाता है। ये किस लिए होता है? तो ये अवेयरनेस ऑफ द चैलेंजेस फॉर वुमेन एंड फॉर बेबीज के लिए है, ठीक है। चैलेंजेस जो आते थे वुमेन्स और जो बेबीज होते हैं उनके लिए इसको क्या किया गया था, चलाया गया था वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे प्री मेच्योर बेबी हो जाते हैं उनसे रिलेटेड रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। What was the profession of A.S. Bayat who recently passed away at the age of 87? जल्दी से बताना है, साइंटिस्ट है, म्यूजिशियन है, नॉवेलिस्ट है या आर्टिस्ट है? A.S. Bayat को का पेशा क्या था? पेशा यानी कि ऑक्यूपेशन की बात हो रही है। अंशु जी ने कहा पास, अच्छा वेरी गुड। देखिए ये एक नॉवेलिस्ट थे, यानी कि उपन्यासकार थे। इनकी एक बुक है जिसका नाम है आपका पोजेशन, ठीक है। क्या नाम है? पोजेशन इस इनकी बुक जो है, नॉवेल है, उसका नाम है, ठीक है। ये इनका हर नोटेबल वर्क है। ये A.S. बयाट जी जो है उनका क्या है, बिल्कुल नोटेबल वर्क है जिसका नाम है आपका पोजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट फंड मैनेजर सर्वे कंडक्टेड बाय बैंक ऑफ अमेरिका, विच टू कंट्रीज इमर्ज्ड एज द मोस्ट फेवर्ड मार्केट्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन? जल्दी से बताना है, राइट आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए फंड मैनेजर सर्वेक्षण के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन से 2 देश सबसे पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? जल्दी से बताएं, राइट आंसर क्या होगा? दो देश पूछा है, ठीक है, दो देश पूछा है, ध्यान दीजिएगा। टू कंट्रीज, एक अगर इंडिया हो गया तो दूसरा क्या होगा? अंशु जी, नेहा जी बता रही हैं ए, नहीं सी। अच्छा देखिए, अगर हम अंशु जी बोल रहे हैं सी और डी। देखिए जापान एंड इंडिया इज द राइट आंसर, ठीक है। जापान और जो इंडिया है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है।
जापान और इंडिया जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी के सामने ये रहा। हाउ मेनी पेटेंट्स हैज द इंडियन पेटेंट ऑफिस ग्रांटेड इन द करेंट फिस्कल ईयर अंटिल नवंबर 15 एज अनाउंस्ड बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। जल्दी से बताना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 15 नवंबर तक भारतीय पेटेंट कार्यालय ने कितने पेटेंट दिए हैं? अंशु जी बता रहे हैं 41 के, यानी कि सी आप बता रहे हैं ऑप्शन। बहुत बढ़िया, राइट आंसर जो है वो है आपका फिस्कल जो आपका ईयर है उसके हिसाब से 41,000 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच इंडियन सिटी हैज बीन फीचर्ड इन कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर्स लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया इन 2024? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोची, फटाफट से बताएं क्या होगा। कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर की 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की सूची में से किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? अंशु जी बता रहे हैं कोची है, बिल्कुल सही जवाब है। कोची जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ऑन विच डेट वॉज इंटरनेशनल मेंस डे ऑब्जर्व इन 2023? जल्दी से बताना है। मेंस डे पूछा है, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है वो कब होता है? अंशु जी बता रहे हैं 19 नवंबर। बहुत बढ़िया, राइट आंसर जो है वो आपका है 19th of November जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो पास लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग्स व्हाट इज इंडियाज पोजिशन एंड हाउ मेनी यूनिकॉर्न कंपनीज डज इट करेंटली हैव? जल्दी से बताएंगे, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है और वर्तमान में इसके पास कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? थर्ड रैंक है। अच्छा, अगर थर्ड रैंक है तो कंपनियां आपकी 72 हुई। बहुत बढ़िया, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो भारत का रैंकिंग है वो थर्ड है और जो यूनिकॉर्न कंपनीज है उनका जो काउंटिंग्स है वो कुल 72 काउंटिंग्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हु फॉरकास्टेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन इंडियाज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स टू 200 बिलियन इन 6 to 7 years? जल्दी से बताएंगे, विदेश व्यापार महानिदेशालय में महानिदेशक कौन है जिन्होंने 6 से 7 वर्षों में भारत के ई कॉमर्स निर्यात में $200 बिलियन की महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुमान लगाया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा संतोष कुमार सारंगी। ठीक है, ये आपके डायरेक्टर हैं। कौन है आपके? ये आपके डायरेक्टर हैं। कहाँ के डायरेक्टर हैं? तो ये आपके जनरल डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इन्होंने ही ये अनुमान लगाया है कि जो आपका विदेश व्यापार है उसमें कम से कम 200 बिलियन डॉलर का जो है वो ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है। विच कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव वॉज क्राउंड 72nd मिस यूनिवर्स 2023? जल्दी से बताना है, किस देश की प्रतिनिधि को 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनाया गया था? कौन थी वो? निकारगुआ थी, या आपकी अल सालवाडोर थी, या आपकी होंडुरस थी, या आपकी ग्वाटेमाला थी? फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा।
अच्छा ठीक है, देखिए इनका जो राइट आंसर है वो है आपका निकारगुआ जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। निकारगुआ जो है वो आपकी 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का ताज इन्होंने क्या किया था, पहना था। इनका जो पूरा नाम है वो है आपका शिकारगुआ शेनियास शेनिस पलाशियस, ठीक है जी। नेहा जी आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 आप सभी के सामने ये रहा। विच सिटी इन इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ वुमेन लेड स्टार्टअप्स लीडिंग इन जेंडर डाइवर्सिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप? भारत का कौन सा शहर महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सूची में शीर्ष पर है जो उद्यमिता में लैंगिक विविधता में अग्रणी है? बहुत बढ़िया, अंशु जी ने आंसर दिया है बेंगलुरु, नेहा जी ने भी बेंगलुरु बोला है, बहुत बढ़िया राइट आंसर है। आप दोनों का ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच एआई रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट कंपनी अपॉइंटेड मीरा मूर्ति एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्टर द डिसमिसल ऑफ सैम अल्टमैन? क्या बात है, बहुत बढ़िया अंशु जी, वेरी गुड। राइट आंसर जो है वो है आपका ओपन एआई, ठीक है। ओपन एआई है जो बिल्कुल सही आंसर है। सैम अल्टमैन की बर्खास्तगी के बाद ओपन एआई जो था उसका अनुसंधान और तैनाती कंपनी ने मीरा मूर्ति को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 51 आप सभी के सामने ये रहा। जी बिल्कुल, अगेन रिजॉइन एज सीईओ। विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर पार्टनर्ड विथ टाटा प्ले फाइबर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। किस वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता ने भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ साझेदारी की थी? ये साझेदारी की है नोकिया ने, ठीक है। नोकिया ने ये साझेदारी की है टाटा प्ले फाइबर के आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज FY24 फिस्कल डेफिसिट टारगेट हैड बीन अक्रूड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से बताना है। देखिए इसका आंसर है आपका 39.3% जो है वो आपका एस्टिमेटेड है फॉर द होल ईयर, यानी कि पूरे 2000 आपका जो 23 होगा उसके लिए आपका जो होल कह लीजिए कि परसेंटेज है वो 39.3% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वेगन डे 2023 ऑब्जर्व्ड? जल्दी से बताना है, विश्व शाकाहारी दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया था? विश्व शाकाहारी दिवस, अंशु जी का जवाब आ रहा है 1 नवंबर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द मेंस 2034 फीफा वर्ल्ड कप एज द सोल बाइडर आफ्टर ऑस्ट्रेलिया विड्रू फ्रॉम द बिडिंग कॉन्टेस्ट?
जल्दी से बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया की बोली प्रतियोगिता से हटने के बाद एक मात्र बोली लगाने वाले के रूप में कौन सा देश पुरुषों के 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? बहुत बढ़िया, सऊदी जो अरब है, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 55। हु इज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल फॉर द 54th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी पैनल के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताएं, फटाफट से राइट आंसर क्या होगा? स्टीवन स्पीलबर्ग है, शेखर कपूर है, क्वेंटिन टेरेंटिनो है, या मार्टिन स्कोरसेस है? शेखर कपूर बिल्कुल सही आंसर है, बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 आप सभी के सामने ये रहा। हु वॉन द टॉप प्राइज इन द 10 ईयर एंड अंडर कैटेगरी एट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन? जल्दी से बताना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? जल्दी से बताएंगे। देखिए, ये आपके हैं विहान ताल्या विकास, जो कि आपके कहाँ के हैं, तो ये आपके बेंगलुरु के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? बेंगलुरु के हैं, और ये एक ये आपके 10 वर्ष के हैं मात्र। ठीक है, 10 ईयर्स ओल्ड हैं ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। विच कंट्री इज होस्टिंग द एआई सेफ्टी समिट 2023? जल्दी से बताना है राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से सभी राइट आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? यूएसए, चीन, भारत या यूके? फटाफट से आंसर देना है। यूके जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम जो है वो आपका राइट आंसर होगा, जो आपका 1 से 2 नवंबर 2023 तक आपका रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट वाज द इंक्रीज इन वुमेन्स फॉर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2022-2023 एज रिपोर्टेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर? जल्दी से बताना है, शिक्षा मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत में महिला कार्यबल भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई है? आपको ये क्लियरली बताना होगा, फटाफट से बताएं। 37%, 23%, 50% या आपका सिर्फ 15%? जल्दी से बताना है राइट आंसर क्या है। देखिए, राइट आंसर जो है वो है आपका 37%। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच इंडियन सिटी वॉज रिसेंटली नेम्ड द सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को, मेकिंग इट द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव दिस डिस्टिंक्शन? फटाफट से रिस्पॉन्स देंगे। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर नाम दिया गया है, जिससे यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला देश बना, सॉरी शहर बना है? बहुत बढ़िया, कोजी कोडे जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोजी कोडे जो सिटी है वो आपकी कहाँ की है, तो आपकी केरला की है। ठीक है, कहाँ की है? केरला की है। ठीक है, ये सिटी जो कि डिजिग्नेटेड है यूनेस्को सिटी में, यूनेस्को में एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑन व्हाट डेट इज हैलोवीन डे सेलिब्रेटेड इन 2023? 2023 में हैलोवीन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
जल्दी से बताएंगे। हैलोवीन डे की बात हो रही है। हैलोवीन डे वही होता है जिसमें बच्चे भूत वूत बन करके जाते हैं, कुछ वैम्पायर बन के जाते हैं, कुछ चुड़ैल बन करके जाते हैं। बच्चों के लिए ये मेनली होता है, ट्रिक एंड ट्रीट खेला जाता है इसमें। जी बहुत बढ़िया। 31 अक्टूबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 31 अक्टूबर जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आप एक और काम कर सकते हैं। अब जो हमारी क्लास है वो हमारी नेक्स्ट क्लास थी 1:30 बजे की, हिस्ट्री की, लेकिन 2 बज गया है। ये वाली क्लास हम लोगों ने 2 देर से स्टार्ट की थी, तो 2 PM हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री की क्लास है आपकी। कहाँ पर है हिस्ट्री के MCQs हैं, वो हिस्ट्री के MCQs कहाँ है, तो YT सेशन पर है। ठीक है, कहाँ पे है, YT सेशन पे है। इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे कि आप रोज 7 AM, 8 AM और आपका 9 AM मॉर्निंग में अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है, कहाँ पर, अनअकैडमी का जो ऐप है आपका, उस पे आपकी फ्री स्पेशल क्लासेस होंगी। ठीक है, क्या होगी, बिल्कुल फ्री होंगी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो आपकी, क्या होंगी, बिल्कुल फ्री होंगी। ठीक है, तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप सारी क्लासेस का लुत्फ़ उठा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7 AM जो है आपकी हिस्ट्री की है, 8 AM आपकी करंट अफेयर्स की है, 9 AM आपकी दोबारा हिस्ट्री की है, और उसी के साथ साथ आपकी YT पे 2 क्लासेस हैं। एक क्लास है आपकी 12 बजे से और दूसरी आपकी क्लास होगी जो आपकी 1:30 बजे से है। ठीक है, 12 बजे वाली आपकी करंट अफेयर्स की है और 1:30 बजे वाली जो आपकी अब दो आज 2 बजे से होगी वो आपकी हिस्ट्री की होगी। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट में हम लोग वापस आते हैं और ज्वाइन करते हैं हमारी इस क्लास को और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। 5 मिनट के बाद हम लोग हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। आप सभी बच्चे बिल्कुल आ सकते हैं, फ्री सेशंस रहेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। तब तक खा लीजिए, पी लीजिए और अपना जोश जो है उसको और दुगना कर लीजिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री आप जानते ही कितनी अच्छी होती है, तो इसीलिए फटाफट से जोश की बहुत ज्यादा जरूरी है हिस्ट्री।